गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। हे फ्रेंड्स, और जैसा कि आप जानते हैं, ये मेरा औरंगाबाद ट्रिप का पार्ट टू है ये वीडियो। और आज हम जाएंगे अजंता केव्स देखने। अजंता केव्स औरंगाबाद से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर है, और उसके लिए आपको औरंगाबाद बस स्टैंड से डायरेक्ट एसी बस मिल जाएगी, जो कि 8:30 को चलती है। इससे पहले भी कुछ बस है, बट वो नॉन एसी है। और एसी बस क्यों? क्योंकि रोड बहुत बेकार है, डेंजरस है, धूल भरी हुई है। तो आई विल एडवाइज कि आप एसी बस ही करें। कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, 400 रुपये, लेकिन ठीक है, क्योंकि केव्स और विश्व धरोहर देखने जाते हैं, तो ठीक है इसके लिए। और अगर आप लोग ग्रुप में हैं, 4 या 5 लोग हैं, तो आप कैब भी हायर कर सकते हैं। कैब भी बस स्टैंड से आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। इवन कैब ड्राइवर आपको खुद से अप्रोच करेंगे, और थोड़ा सा बार्गेनिंग करने के बाद अगर आपको लगता है कि कॉस्ट इज फिजिबल, तो आप कैब भी कर सकते हैं। वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है मेरे ख्याल से, क्योंकि कैब में आप फ्री रहते हैं, जहाँ पे आपको रुकना है, कुछ खाना है, पीना है। बस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है इसको, और ये ऑलमोस्ट 3.5 आवर लेती है 100 किलोमीटर जर्नी तय करने में, क्योंकि अभी रोड कंस्ट्रक्शन में है, बना नहीं है पूरी अच्छी तरह से, तो 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो अपना वाटर वगैरह और कुछ कैरी करके चलें। 3 घंटे में हम अजंता केव्स पहुँच गए। बस आपको यहाँ पर ड्रॉप करेगी और यहीं से पिक करेगी, और 3 घंटे का टाइम कुछ वो देते हैं आपको वापस आने के लिए। तो बेटर है कि अगर आप कैब करेंगे तो आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे बस में, क्योंकि सब लोगों के लिए है, आपको लिमिटेड टाइम मिलता है। और ये यहाँ पर लंबा आपको लाइन लगाना पड़ेगा क्यू में फॉर टिकट। और ये है लगेज काउंटर, तो अपना लगेज सबमिट कर दें, क्योंकि अजंता के उस हिल पे है और आपको चढ़ाई करना पड़ेगा। टिकट ले लिया, लगेज सबमिट करा दिया, और एंट्री टाइम इन अजंता केव्स। और अब लाइव सुनिए लाइव। अब हम पहुंच चुके हैं अजंता केव्स 3 घंटे की जर्नी के बाद, और पीछे अजंता केव्स का बोर्ड है, और ये यहाँ से इसका अजंता का वे स्टार्ट होगा। और दूसरा है ब्रिज वाला, हम उल्टा चढ़ाई चालू करेंगे, क्योंकि सब सीधा जाते हैं, हम उल्टा जाएंगे क्राउड कम करने के लिए। चलिए, ये अजंता केव्स का मैप है। आप देख सकते हैं कि आप केव नंबर 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं देखना, और केव नंबर 26 से भी, बट हमने 26 से स्टार्ट किया। केव है ब्रिज से स्टार्ट हो गया, ये एक्चुअली उल्टा है, 28 से स्टार्ट हो गया। बट इधर आप देख सकते हैं कोई भी नहीं है, और सामने आप देखोगे जहाँ से केव स्टार्ट होता है वहाँ से पूरा पब्लिक जा रहा है। तो हम उल्टा जाएंगे जिससे हमको खाली मिले, और हम आराम से केव देख पाए। आप देखते हैं ये ब्रिज बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, और ये नदी के ऊपर बना हुआ है। और आप देखेंगे कि ये वॉकिंग वे है, यहाँ से आपको थोड़ा वॉक भी करना पड़ेगा। मैंने यहाँ से कुछ शॉट्स लिए, और आप देखेंगे कि दूर से भी कितना सुंदर लगता है केव्स के बीच देखने का, जो कि आपको पूरा दिखेगा यहाँ से नज़ारा। और यहाँ पे हमेशा की तरह मुझे स्कूल के बच्चे मिले, बच्चे मन के सच्चे, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ। और ये कहीं भी जाते हैं, हर जगह ही आपको मिलेंगे। और इसके साथ मैंने बहुत सारे फॉरेनर भी देखे, तो मैंने सोचा एक फॉरेनर से बात ही कर लेते हैं, भाई इतना दूर क्यों आए हो? एवरीबॉडी शाइन, वेलकम, हाउ डिड यू फाइंड इंडिया? या 20 टाइम्स, 20 टाइम्स, या 20 टाइम्स एवरीवेयर। तो दोस्तों, आप केव नंबर 26 का बाहर से आर्किटेक्चर देखते हैं, रियल में दोस्तों आपको बहुत ही मज़ा आएगा इसका आर्किटेक्चर देखने में। और माय कैमरा इज नॉट एबल टू डू प्रॉपर जस्टिफिकेशन विद द ब्यूटी ऑफ दिस केव, और क्योंकि हर केव को आपको दिखाना भी पॉसिबल नहीं है, तो मैं केवल फेमस केव ही इसमें इंक्लूड करूँगा वीडियो में, वरना वीडियो का लेंथ बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और इस केव में आप देखेंगे, ये केव जो है बुद्धा, जो लॉर्ड बुद्धा है, उनसे रिलेटेड है। और यहाँ पे उनका एक सोया हुआ स्टैचू है,
जहाँ पे वो स्लीपिंग मोड में है और भी काफी सारे स्टेचू हैं। आप देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कितना ब्यूटीफुल और कितना ऑसम है ये देखने में, कि इतने साल पुराने पहले कितना गजब का आर्किटेक्चर भी हुआ करता था। आपको मैं यहाँ से जो 26 केव है वो काफ़ी हाइट पे है उससे पूरा नज़ारा दिखाता हूँ और आप देखेंगे कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। और बीच में से जो नदी जाती है, इसके ऊपर ब्रिज है, ये टोटली आपको पूरा एंजॉय मिलेगा जब आप यहाँ जाएंगे, मज़ा आएगा, आपको कोई थकान नहीं होगी। अगर आप सितंबर से लेके फरवरी तक जाते हैं क्योंकि उस टाइम पर मौसम कूल रहता है, और यहाँ पे आपको बीच बीच में कुछ लोकल लोग हैं जो स्नैक्स वगैरह भी देंगे, जैसे गुआवा हुआ वो हुआ, तो आप उनको भी एंजॉय करके खा सकते हैं। और बीच में थोड़ी देर चलने के बाद हमको एक और फॉरनर मिल गए, तो उनसे हमने पूछा भाई कैसे है इधर। How many countries have you visited? Oh, many. I've been around the world. Really? Yes. So how long you are traveling? No, not now. I mean, in my lifetime, I've been visiting Latin America, North America, most countries of Europe, most countries of Asia and Australia. Okay. You know. Germany is so advanced, and India is not like that. So, what do you think about this? You shouldn't put India down because of technological achievement. India, to me, is the cradle of mankind. It is the heart of human mankind. Until today, it represents the values that are valid for all of mankind. Just the place, Ellora, where you see the three different religions next to each other, the Hindu caves, the Buddhist caves, the Jain caves, next to each other, you know? Yes. This is really inspiring. This is very inspiring for our today's class. Okay. So which trip is it? You're in India now. First trip, second trip? This is my, I don't know, 23? ये है केव नंबर 23। इसको इको केव भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक साइड से आवाज़ लगाएंगे तो आपको दूसरी साइड से इको इफेक्ट के जरिए आवाज़ आएगी। फ्रेंड्स, मोर देन 2 to 3 hours स्पेंड करने के बाद हम लोग काफ़ी टायर्ड हो गए और एक दिन में पूरा अजंता कवर करना काफ़ी मुश्किल है और हमारे पास केवल 3 to 4 hours ही थे और हम लोगों को काफ़ी भूख लग गई थी, तो फिर हम लोगों ने वापस जाने का प्लान किया। और यहाँ पे आप जब वापस जाएंगे तो अजंता में केवल एक ही रेस्टोरेंट है, वो गवर्नमेंट का है और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तो वहीं पर आपको खाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन वहाँ का खाना ठीक है, वहाँ पर थाली है, ये आप उसका एम्बियंस देख सकते हैं, ठीक ठाक है। और यहाँ पे आपको 170 rupees में थाली मिल जाएगी और आप कुछ अलग से ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये देखिए थाली कुछ इस तरह से रहेगा आपका, तो जिसमें राइस, दाल, चपाती, वेजिटेबल, पिकल और कुछ रायता, इस तरह का रहेगा। खाने के बाद, क्योंकि हम लोगों को वापस जाना था, हम लोग अपनी बस की तरफ मूव हो गए। हमारी बस लगी हुई है, आपको थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं, ये ब्लू कलर की हमारी बस, और इट्स टाइम टू गो बैक टू औरंगाबाद। दोस्तों, बस ने हमको 3 hours में औरंगाबाद वापस पहुंचा दिया। 3 hours में, क्योंकि एसी बस थी, हम आराम से सो गए क्योंकि आपको एनर्जी भी दोबारा वापस गेन करना पड़ता है अपना। और जब वो अपने हमको शाम को पहुंचा दिया तो हमारा होटल जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, क्योंकि न्यू ईयर का टाइम है, इट्स सेलिब्रेशन टाइम, और होटल में जाके हम लोग बोर नहीं होना चाहते थे। तो हमने आसपास पता किया कौन सा वहां पर फेमस मॉल है, और वहां पर मॉल है प्रोजन मॉल, तो वहां का सबसे बड़ा मॉल है ये। तो हमने ऑटो हायर किया और देखते हैं कि इसको एंजॉय करते हैं, शाम के टाइम पे कुछ तो फंक्शन वंक्शन चल रहा होगा, न्यू ईयर का टाइम है, सेलिब्रेशन का टाइम है। तो हम लोगों ने ऑटो किया और ऑटो ने हमको विद इन 10 to 15 minutes में मॉल पहुंचा दिया। तो देखते हैं मॉल में क्या क्या देखने मिलता है, क्या क्या चीज़ें हैं और कैसा मॉल है ये।
बाहर से आप देख सकते हैं एकदम लाइटिंग वगैरह बनाई गई है, क्रिसमस का टाइप से बनाया गया है, जोरदार लग रहा है। अंदर जाके देखते हैं क्या मिलता है अपन को। कहते हैं जब भी आप ट्रैवलिंग करें ट्रैवल लाइट, इसका मतलब है ज़्यादा कुछ सामान कैरी ना करें। तो हमने कुछ खरीदा वरीदा नहीं मॉल से, देखा ये सेलिब्रेशन चल रहा था, ये एक तरह का स्टूडेंट लोग परफॉर्म कर रहे थे। और इसके बाद हम जब टहलते टहलते पहुँचे तो यहाँ पे एक फिश पेडिक्योर, ये आप देख सकते हैं 150 रुपीज का है। इसमें क्या करते हैं, छोटी छोटी फिश रहती हैं और आप उनको अपना चमड़ी खिलाते हैं, यू कैन से स्किन। तो मैडम ने बोला कि हम करेंगे फिश पेडिक्योर, चलिए देखते हैं। फिश इस तरह से लग जाते हैं, कैसा फील होता है वो तो मुझे नहीं पता, बट वाइफ इज सेइंग दैट थोड़ा थोड़ा ऐसे टिकलिंग टिकलिंग टाइप से रहता है। दोस्तों मैडम ने पूरे पैसे खर्च करा दिए तो एटीएम से पैसे निकाले। इसके बाद खाना खाया इस मॉल में ही, ऊपर में काफ़ी फूड कोर्ट है, आप खाना खा सकते हैं। और उसके बाद हम लोग अपने रिटायरिंग रूम में वापस आ गए। ये रूम रेलवे स्टेशन पे होते हैं और इनका चार्ज होता है 150 to 200 रुपीज़, जी हाँ ओनली 200 रुपीज़। और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट सेशन में बोलिए कि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, किस तरह से आप इस तरह के रूम रेलवे स्टेशन पर बुक करा सकते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, पार्ट 3 में मैं एलोरा केव्स कवर करूंगा। और आप मुझे कमेंट सेशन में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आई विल गिव यू दैट इन्फॉर्मेशन। टिल देन बाय।